महाराष्ट्र में महायुति का जो प्रदर्शन दिख रहा है उसे प्रचंड जीत कहते हैं। महाराष्ट्र में महायुति ने एमवीए की गाड़ी को पंचर कर दिया है। शुरुआती रुझानों में महाराष्ट्र में महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि अब एमवीए बहुत पीछे है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी पस्त हो चुकी है। महायुति बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। इस चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट भाजपा का है। भाजपा 84% के स्ट्राइक रेट से आगे लीड कर रही है। सबसे खराब हालत तो शरद पवार की है। शरद पवार की अब तक की राजनीतिक जीवन में इतनी बुरी हालत नहीं रही। इसी बीच महायुति में जश्न का माहौल दिख रहा है, जहां फडणवीस तसल्ली से कुर्सी पर बैठे आराम से नतीजों के बारे में पता करते दिखे, वहीं कार्यकर्ता पटाखों से जीत का जश्न मना रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों की तस्वीर लगभग साफ होने के साथ ही भाजपा कल यानी रविवार को मुंबई में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेज सकती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक महायुति में सहयोगियों से मुलाकात करेंगे और कल भाजपा विधायक दल की बैठक भी करेंगे। पर्यवेक्षकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में नई कैबिनेट को 26 नवंबर या उससे पहले शपथ लेनी है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के रुझानों में प्रचंड बहुमत मिलने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर जश्न मनाया। महाराष्ट्र के अब तक के चुनाव नतीजों के रुझान में महायुति को बहुमत मिल चुका है, जिसके बाद एनडीए के तमाम दल खुशियां मनाने लगे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी शाम को 6:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में महायुति के 145 के बहुमत के आंकड़े को पार करने पर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां लाई गई हैं। अभी तक के रुझानों में महायुति ने बहुमत हासिल कर लिया है। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो? शिवसेना भाजपा महायुति का लड़की बहन योजने भाई जल्लोस कर रहे वो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।